हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर के सेव। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इन दिनों बाज़ार में बहुत ही लाल लाल टमाटर अवेलेबल है। तो चलिए हम इसकी बना लेते हैं सेव। तो यहाँ पे आपको जितने सेव बनाने हैं उस क्वांटिटी में बेसन ले लीजिए। हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है और बेसन में 2 से 3 टीस्पून चावल का आटा मिक्स कर लेंगे और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और देखिए, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। इस तरीके से टमाटर की प्यूरी हम थोड़ी थोड़ी ऐड करके उसे भिगो लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। देखिए, डो बिल्कुल अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ये साँचा है सेव का। तो ये साँचे में हमने मिक्स भर दिया है। तो इस तरीके से हम उसके सेव निकाल लेंगे। आप चाहे तो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं बनता हो तो आप पेपर में भी सेव निकाल के रख सकते हैं और कोई भी करछी से उसे उठा के डायरेक्टली तेल में फ्राई कर दें। तो ये देखिए, हम साँचे से बिल्कुल तेल गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से गोल आकार में उसे बना लेंगे सेव को और फ्राई होने देंगे। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, तभी सेव काफी क्रिस्पी बनेंगे। और इस तरीके से उलट पलट करके हम सेव को अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। आप इसे 1 से 2 महीने एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। ये ख़राब नहीं होंगे और कोई भी त्योहारों पे या फिर आप नाश्ते में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और देख सकते हैं आप कि हमने इतने सेव बना के रेडी कर लिए। ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपके हैं, तो इसे बिल्कुल गर्म तेल में ही छोड़ें। तो इस तरीके से आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और फटाफट बन के रेडी हो जाएंगे। देखिए, जो हमने पेपर में सेव को बनाया था उसे भी इस तरीके से निकाल लेंगे और डायरेक्टली तेल में छोड़ देंगे। और सर्दियों के मौसम में आप इसे अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। और गाइस, हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देख सकते हैं, सारे सेव बन के रेडी हो चुके हैं। आप इस तरीके से, अगर साँचा न हो तो इसकी गठिया भी बना सकते हैं। और हम इसे निकाल लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। थैंक यू।